दुनिया में तो ऐसे कई एथलीट हैं जो अपने कारनामे की वजह से पहचाने जाते हैं, लेकिन इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे एथलीट के बारे में जो दुनिया के सबसे तेज दौड़ने वाले इंसान हैं। हम बात करने वाले हैं उसेन बोल्ट के बारे में। उसेन बोल्ट को तो आप जानते होंगे, ये दुनिया के सबसे तेज रनर है। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं उसेन बोल्ट की लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी के बारे में। आप भले ही दुनिया के सबसे तेज रफ्तार उसेन बोल्ट जैसा नहीं दौड़ सकते, लेकिन आप उनकी जिंदगी से कुछ सीख जरूर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखना। वीडियो स्टार्ट होने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको उसेन बोल्ट पसंद है तो इस वीडियो कर दे लाइक। उसेन बोल्ट का फुल नेम है उसेन एसटी लियो बोल्ट, और प्यार से इन्हें लाइटनिंग बोल्ट भी बुलाते हैं। प्रोफेशन से उसेन बोल्ट एक जमैकियन स्प्रिंटर है। उसेन बोल्ट का जन्म 21 अगस्त 1986 को शेरवुड कॉन्टेंट जमैका में हुआ, और 2021 के हिसाब से ये 35 साल के हैं। उसेन बोल्ट जमैका के एक छोटे शहर में रहते थे, जहां पर इनके माता और पिता एक किराना की दुकान चलाते थे। उसेन बोल्ट ने बचपन में अपना समय अपने भाई के साथ क्रिकेट और फुटबॉल खेलकर गुजारा। शुरुआत में इन्हें क्रिकेट में बहुत दिलचस्पी थी, और अगर आज उसेन बोल्ट एक रनर नहीं होते तो शायद ये एक क्रिकेटर होते, क्योंकि उसेन फास्ट बॉलर थे। उसेन बोल्ट ने अपने स्कूल की पढ़ाई वेल्डन सी प्राइमरी स्कूल से की, और पहली बार 12 साल की उम्र में ट्रैक एंड फील्ड के लिए दौड़े, और 12 साल की उम्र में उसेन बोल्ट अपने स्कूल में सबसे तेज दौड़ने वाले खिलाड़ी बन गए, जिसके बाद इन्होंने आगे की पढ़ाई करने के लिए विलियम निब मेमोरियल हाई स्कूल में एडमिशन लिया। लेकिन यहां पर उनका ध्यान क्रिकेट में जाने लगा, और उसी दौरान स्कूल के कोच ने उनकी तेजी को देखते हुए उन्हें ट्रैक एंड फील्ड पर ध्यान देने की सलाह दी, और इसी बीच 2001 में उसेन बोल्ट ने हाई स्कूल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट लिया और 22.04 सेकंड में 200 मीटर की रेस जीतकर सिल्वर मेडल अपने नाम किया। अब बात करते हैं उसेन बोल्ट के करियर के बारे में। दोस्तों, इसी तरह उसेन बोल्ट सबसे तेज दौड़ने वाले खिलाड़ी बने और फॉर्मर रनर पाब्लो एमसी नेल से ट्रेनिंग ली, जिसके बाद इन्होंने 2002 में वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट लिया और 200 मीटर की रेस जीतकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। और इस कॉम्पिटिशन से उसेन बोल्ट सबसे कम उम्र के गोल्ड मेडलिस्ट बन गए, और 2004 के करिफ्टा खेलों में 19.93 सेकंड समय के साथ 20 सेकंड कैटेगरी में दौड़कर वो पहले जूनियर रनर बने, और उन्होंने रॉय मार्टिन के एक सेकंड में 2:10 टाइम में बने वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड को तोड़ दिया, और 2004 तक उसेन बोल्ट प्रोफेशनल रनर बन गए। लेकिन चोट लगने के कारण पहले दो सीजन की ज़्यादातर कॉम्पिटिशन में नहीं खेल पाए, लेकिन 2004 के समर ओलंपिक कंपटीशन में पार्टिसिपेट लिया और कंपटीशन पूरा किया, जिसके बाद 2007 में जमैकन चैंपियनशिप में उन्होंने 200 मीटर की रेस में डॉन क्योरी को 19.75 सेकंड में हरा दिया, और मई 2008 में उसेन बोल्ट ने 9.72 सेकंड समय के साथ 100 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, और 2008 के बीजिंग समर ओलंपिक में 100 मीटर और 200 मीटर दोनों कॉम्पिटिशन में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया। 100 मीटर में समय 9.69 सेकंड था, और इसी तरह 9.72 सेकंड समय लेकर अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा, और 200 मीटर कंपटीशन में 19.30 सेकंड समय लेकर समर ओलंपिक में माइकल जॉनसन का 19.32 सेकंड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। और दिन रात संघर्ष और मेहनत करके बोल्ट लगातार चैंपियनशिप जीतते रहे, और ओलंपिक खेलों के साथ ही साथ लोकल खेलों में उन्होंने जीत दर्ज किया, जिनमें बीजिंग लंदन और रियो ओलंपिक खेलों की जीत और बर्लिन डेगू मॉस्को और बीजिंग की IAAF वर्ल्ड T&F चैंपियनशिप शामिल है। दोस्तों, आप हमें कमेंट करके जरूर बताना उसेन बोल्ट आपको कैसे लगते हैं। चलिए मिलवाते हैं आपको उसेन बोल्ट की फैमिली से। तो इनके फादर का नाम है वेलेस्ले बोल्ट, और इनकी मदर का नाम है जेनिफर बोल्ट, और इनके एक ब्रदर भी है जिनका नाम है सादिकी बोल्ट, और इनकी एक सिस्टर भी है जिनका नाम है शेरिन बोल्ट। बात करें इनकी गर्लफ्रेंड के बारे में, तो 2014 से इनकी गर्लफ्रेंड है कासी बेनेट, और इनके 3 बच्चे भी हैं, एक बेटा और 2 बेटी, और इनकी बेटी का नाम है ओलंपिया लाइटनिंग, और इनके बेटे का नाम है थंडर एंड सेंट लियो, जो कि ट्विन्स है।
अब बात करते हैं उसेन बोल्ट के हाउस के बारे में। तो दोस्तों उसेन बोल्ट का घर किंगस्टन जमैका में है और ये घर 40 एकड़ में है, जिसमें 5 बेडरूम के साथ ही साथ एक शानदार सा पूल है और कई नई नई फैसिलिटीज है। और इसके अलावा उसेन बोल्ट का घर ऑस्ट्रेलिया में भी है, जो दिखने में काफ़ी खूबसूरत है और जैसा कि इन पिक्चर में आप देख सकते हैं। अब बात करते हैं उसेन बोल्ट के कार कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इनके पास फर्स्ट कार है फरारी 458 इटालिया और इस कार की प्राइस है 2,30,000 US डॉलर और इंडियन करेंसी में 4.2 करोड़ रुपीज। और दूसरी कार इनके पास है गोल्ड निशान GTR और इस कार की प्राइस है 1.4 मिलियन US डॉलर और इंडियन करेंसी में 9.93 करोड़ रुपीज। और इनके पास जीप रैंगलर भी है और इस कार की प्राइस है 35,000 US डॉलर और इंडियन करेंसी में 64 लाख रुपीज। और नंबर 4 पर है रोल्स रॉयस फैंटम सीरीज 2 और इस कार की प्राइस है 4,50,000 US डॉलर और इंडियन करेंसी में 9.5 करोड़ रुपीज। और उसेन बोल्ट के पास फरारी की फरारी F430 स्पाइडर भी है और इस कार की प्राइस है 2,17,000 US डॉलर और इंडियन करेंसी में 2.76 करोड़ रुपीज। और लास्ट कार इनके पास है BMW M3 और इस कार की प्राइस है 40,000 US डॉलर और इंडियन करेंसी में 65 लाख रुपीज। अब बात करते हैं उसेन बोल्ट के इनकम के बारे में। तो दोस्तों उसेन बोल्ट साल का कमा लेते हैं 20 मिलियन US डॉलर, जो इंडियन करेंसी में होते हैं लगभग 150 करोड़ रुपए। और इसके अलावा इनकी ज़्यादातर इनकम ब्रांड इंडोर्समेंट से होती है, जिसके लिए ये चार्ज करते हैं 9 मिलियन US डॉलर। और इन्होंने कुछ पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, जिससे वो अच्छा खासा इनकम कर लेते हैं। बात करें इनके नेटवर्थ के बारे में, तो दोस्तों उसेन बोल्ट का नेटवर्थ है 90 मिलियन US डॉलर, जो इंडियन करेंसी में होते हैं 638 करोड़ रुपीज। तो ये थे उसेन बोल्ट की लाइफस्टाइल वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो के सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो कर देना लाइक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना।